हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस के यादव प्राथमिक स्कूल में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हम लोग नहा धोकर पूजा पाठ कर चुके हैं और आज देखिए मौसम कितना अच्छा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए इधर पापा कर रहे हैं पूजा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे यशिका काट रही है आम। यशिका, किसके लिए काट रही हो? मैं अपने पापा जी के लिए आम काट रही हूँ, क्योंकि उनका आज पहला दिन है स्कूल में। उनके नाश्ते के लिए यही वो खा कर जाएंगे, इसीलिए उनके लिए मैं आम कट कर रही हूँ। और मम्मी इधर किचन में काम कर रही है। और देखिए फ्रेंड्स, इधर यशिका पढ़ने लगी, नहा धोकर पूजा पाठ करवाया मेरे साथ। और देखिए पढ़ाई पर भी ध्यान देती है नानी बेटी मेरी, पूरा पापा की तैयारी भी करा देती है, पढ़ाई बाद में संस्कार पहले। और इधर देखिए फ्रेंड्स, आरती लगी है। गुड मॉर्निंग। अपने मेरे नाश्ता तैयार करने में। और क्या बना रही आरती? वही दाल रोटी। दाल रोटी, सिंपल भोजन, दाल रोटी तैयार हो रहा है भाई। और अभी मैं निकलने वाला हूँ स्कूल, समय से पहुंचना भी है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। और हमारे अरविंद पाल सर मुझे मिलेंगे, उनको भी लेके जाऊंगा। और इधर पापा जाने लगे अपने स्कूल। पापा जी जाओ, जल्दी लेट मत हो जाना। बाय पापा। बाय बेटा। बाय। और फ्रेंड्स देखिए, मैं आ चुका हूँ स्कूल और आज पहला दिन है मेरा विद्यालय में। तो अंदर चल रही है साफ सफाई। और इधर दिखाता हूँ अपनी फूल फुलवारी, जिसे मैंने काफ़ी मेहनत से लगाया, सिंचाई की, निराई गुड़ाई भी करता हूँ। और देखिए मुझे तरोताज़ा मिली है। स्वागत में फूल, विद्यालय में घुसते ही सबसे पहले मेरा स्वागत किया है मेरे अपने फूलों ने। फ्रेंड्स मुझे खासा लगाव रहता है इन फूलों से, क्योंकि विद्यालय की शोभा बढ़ाते हैं और विद्यालय में आए हुए हर मेहमान का स्वागत करते हैं, मन खुश रखते हैं, पूरा एनर्जेटिक हो जाता हूँ विद्यालय में आकर इन फूलों की वजह से। और इनसे जो एनर्जी मिलती है मुझे, देखिए इधर, इनसे जो एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी को यूज करता हूँ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों में और लगा रहता हूँ विद्यालय के काम काज में, कभी पीछे नहीं हटता। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हाँ, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस जुटा रहता हूँ अपने काम में। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। अब हम प्रतिदिन थोड़ा बहुत स्कूल की क्लिप आपको दिखाया करेंगे। और आपको विद्यालय हमारा कैसा लगा, फूल फुलवारी हमारी कैसी लगी, आप ज़रूर बताइए। और पेड़ पौधे तो फ्रेंड्स मैंने ढेर सारे लगा रखे हैं, आप जिधर नज़र करेंगे उधर आपको पेड़ पौधे ही मिलेंगे। आइए इधर भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा बाग बगीचा बना रखा है, काफ़ी मेहनत की। ये गुलमोहर का पेड़ है हमारा, अभी इस पर फूल नहीं है, नहीं तो लाखों की संख्या में फूल खिलते हैं। और ये भी गुलमोहर है, इधर देखिए कुछ प्लांट्स ये हैं। पूरा विद्यालय मैंने सजा धजा दिया है और बस लगा रहता हूँ ईमानदारी से, पूरी मेहनत से। बाकी ईश्वर मालिक है, जो भी उसे अच्छा लगता है वैसा प्रतिफल हमें मिलता है। कल पापा जी जब बाजार गए थे तो पापा जी पंखा लाए थे, क्योंकि इस वाले कमरे में, टीवी वाले कमरे में पंखा नहीं है। मम्मी जब उसमें काम करती हैं या टीवी चलाती हैं, कुछ भी करती हैं, तो उनको गर्मी लगती है, इसीलिए पापा फ़ैन लाए हैं मम्मी के लिए, कि लगा देंगे तो मम्मी को गर्मी नहीं लगेगी। और इसको अभी वो करेंगे फिर लगाएंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? जब इंसान जैसे बेहोश हो जाता
हाँ फ्रेंड्स, और देखिए हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं बेटा? दूध लेने। दूध लेने, ये 2 लीटर का डिब्बा है और बस हम लोग चल दिए दूध लेने। अभी दिखाते हैं कहाँ से लाते हैं। हमारे एक सम्मानित परिवार के सदस्य ने पूछा था, सर आप काऊ का दूध लेते हैं या फिर बफेलो का, और कितने रुपए लीटर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज सारी चीजें आपको दिखाते हैं। लेट्स गो बच्चों, आओ। हर्षित एंड यशिका, फ्रेंड्स अब हम लोग जाने लगे दूध लेने। और आज हम लोग फ्रेंड्स अब फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं दूध लेने के घर, दूध लेने वाले के घर पहुंचने वाले हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, ये दूधिया हैं राम अचल भैया, और अभी इसी भैंस का दूध हम लोग लेंगे। इधर हर्षित यशिका खड़े हैं दूध पी लिए। हाँ भैंस चमक रही थी, बढ़िया मेहनती किसान है ये, बढ़िया नहलाते दुजाते। आओ अभी अंदर चलते हैं, अपना घर है, व्यवहार है अपना, भैया दूधिया भैया से व्यवहार रखते हैं हम अच्छे से। और इधर देखिए फ्रेंड्स, हर्षित और यशिका इंतजार कर रहे हैं दूध का। ये फ्रेंड्स हम लोग भैंस का दूध लेते हैं। हमारे एक सम्मानित दर्शक पूछ रहे थे कि सर आप बफेलो का दूध लेते हैं या फिर काऊ का। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इस बफेलो का दूध लेते हैं और इसके पशु पालक हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय राम अचल। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे इंसान हैं ये, काफ़ी मीठी बोली भाषा है इनकी, और ये काफ़ी व्यवहार कुशल हैं। और मैंने 2 महीने पहले इन्हीं का एक वीडियो डाला था फ्रेंड्स, मैंने ये 60 वर्ष के हो चुके हैं, तो है? हाँ 60 वर्ष से ऊपर हैं, बता रहे हैं 60 वर्ष से ऊपर है। और इन्हीं का मैंने डॉक्यूमेंट्स पूरा करवा के, और ब्लॉक चित्तौरा थी ना भैया? हाँ ब्लॉक चित्तौरा। हाँ ब्लॉक चित्तौरा में हम दोनों भाई गए, हाँ वृद्धा पेंशन के लिए पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और अप्लाई करा दिया। अब 3 महीने का टारगेट दिया है ना भैया वहाँ? हाँ, 3 महीने का टारगेट दिया है बीडीओ महोदय ने। मैं डायरेक्ट बीडीओ महोदय से मिला, मैंने कहा भैया हमारे बड़े भैया पशुपालक हैं, काफ़ी गरीब हैं, मैं चाहता हूँ कि इनकी वृद्धा पेंशन हो दे। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप चिंता न करिए, 3 महीने का टारगेट दिया था ना भैया? हाँ 3 महीने। उन्होंने बीडीओ साहब ने कहा 3 महीने के अंदर वृद्धा पेंशन आपको मिल जाएगी। हाँ अब देखते हैं, 2 महीने तो हो गए ना भैया? 16 तारीख की पूरा आपकी 16 तारीख। ये देखिए फ्रेंड्स, तारीख याद है हमारे बड़े भैया को, 16 तारीख ये आज 2 महीने पूरे हो गए बिल्कुल। और हम लोग कहाँ घूमे थे भैया? चित्तौरा झील फ्रेंड्स हमारा राजा सुहेल ने किला, ये फ्रेंड्स हमारा एक वीडियो पड़ा है यूट्यूब पर, 2 महीना पहले का ही है ना भैया? हाँ उसको भी 2 महीना पुराना वीडियो है। मैं इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन में उसको डाल दूंगा फ्रेंड्स। राजा सुहेल देव पूरा स्मारक हम लोगों ने घूमा था दोनों भाइयों ने। अच्छा, उस दिन गर्मी बहुत थी भैया, लपट थी बहुत भीषण, और दोनों भाई मैं स्कूल से लौटा एक्चुअली, और समय हो रहा था 3 बजे का समय था ना भैया? तीन बजे का समय था। और इधर तब तक आ गए हमारे आदरणीय चाचा जी रामचल भैया के पिताजी। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, भले आदमी हैं, पूजा पाठ वाले हैं, और इन्होंने ये थान बनवाया है यहाँ, सुबह शाम ये पूजा करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये हट है, काफ़ी अच्छी हट है ये, और इसमें इन्होंने खुद बनाई है। और 2 बार यहाँ भागवत कर चुके हैं ना दादा? 3 बार ये भागवत भी करा चुके हैं इस स्थान पर। काफ़ी रमणीक जगह है, पवित्र है। और इधर भैया हमारे देखो दूध निकालने लगे। फ्रेंड्स मैं जहाँ भी रहता हूँ पूरा व्यवहार रहता है, गरीबी अमीरी से मुझे कोई लेना देना नहीं। कभी आप जाइएगा फिर वापस आएगा तो हमारा घर है आपके लिए बिल्कुल। एक मकान आपका है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है
जहाँ भी जाता हूँ लोगों को अपना बना लेता हूँ। अगर अपने जिला से मान लीजिए एक घर आपको यहाँ पर, भैया के घर में ही जगह नहीं, मैंने भैया के हृदय में जगह बनाई है, साथ रहता हूँ। कभी छोटी मोटी मुसीबत हारी दुखारी रहते हैं तो मैं तुरंत आधी रात खड़ा हो जाता हूँ। यशिका बेटा शंका समाधान हो गई। यशिका कहती है ना कि शंका समाधान हो गई। और इधर देखिए रामचंद्र भैया दूध तोल रहे हैं। फ्रेंड्स हम 2 लीटर दूध ले जाते हैं।